हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। क्लास एट में हमारे एक टॉपिक चल रहा था, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, जैसे धर्म का अर्थ क्या है, धर्म की अवधारणा, यानी राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, और धर्म को राजसत्ता से मुक्त करना, वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता। अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में भारतीय संविधान में, जैसे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो चीज कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य संघ धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय संघ राज्य क्या रहेगा, धर्म निरपेक्ष रहेगा। और हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा करते हैं। जैसे प्रत्येक धर्म निरपेक्ष राज्य जैसे क्या क्या करेगा कि निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं, कौन, राज्य। तो कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। पहली बात क्या कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग, दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और तीसरा, तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब ये तीन चीजें बताई गई है कि ये भारतीय धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में ये तीन बातें बताई गई है। कि पहली बात क्या कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब हम धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में ही पढ़ते हैं कि भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। भारतीय राज्य क्या करते हैं कि कई तरह से काम करते हैं। पहला तरीका यह है कि वो खुद को धर्म से दूर रखे। मतलब राज्य, पहले बात तो क्या कि राज्य स्वयं को किसी धर्म से दूर रखे। पहली बात क्या आ गई इसमें कि भारतीय राज्य मतलब स्वयं को किसी धर्म से दूर रखना है। और भारतीय राज्यों की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में हो और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देगा। मतलब भारतीय राज्यों की जो बागडोर है वो किसी एक ही धार्मिक समुदाय पर न हो और न ही राज्य किसी धर्म को किसी व्यक्ति पर थोपेगा। धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म निरपेक्षता। तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय राज्य स्वयं किसी धर्म से दूर रहे। दूसरा यह बताया कि वह खुद को, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में हो और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। राज्य किसी एक को समर्थन देता है। अब जैसे भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। दूसरी बात क्या कि भारतीय जितने भी जो संस्थान हैं, जैसे कोर्ट है, थाने हैं, या ये मान सकते हैं सरकारी विद्यालय है या दफ्तर है, तो यहाँ पर
सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इनको हम उदाहरणों के तौर पर दे सकते हैं कि अनेक प्रकार के उदाहरण होते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि धर्म के लिए राज्य की अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, धर्म के लिए राज्य की अहस्तक्षेप की नीति, इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। मतलब खास धार्मिक समुदायों को छूट देना, धार्मिक समुदायों को छूट देना कि राज्य किसी भी धर्म में अहस्तक्षेप न करेगा, मतलब अहस्तक्षेप की नीति। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा समझाया मैंने आपको कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब ये खास धार्मिक समुदायों को छूट देना ये क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सभी हेलमेट का प्रयोग करते हैं, हम सभी बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सरदार जो पगड़ी बांधे हुए है उसे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो वह उसके लिए सरदार की जो पगड़ी है उसके लिए विशेष छूट दे रखी है धर्म ने या राज्यों ने कि सरदार की पगड़ी यानी हेलमेट उसको पहनना अनिवार्य नहीं है, तो ये विशेष छूट हो गई। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक धार्मिक वर्चस्व के अनुसार सरकार, जैसे पहला उदाहरण मैंने कह दिया आपको सरदार जी का कि एक सरदार जी बाइक लेके कहीं जा रहे हैं, उन्होंने सर पर पगड़ी बांध रखी है, तो राज्य उनके लिए छूट प्रदान करेगा कि वह हेलमेट का प्रयोग न करे, यानी उसकी पगड़ी है और वो हेलमेट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो राज्य उसको एक विशेष छूट देगा। अब इसी तरह से हम ये देखते हैं कि राज्यों में, राज्यों के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक ही धर्म के लोग, यानी राज्यों में दूसरी चीज कि ये भी देखी जाती है कि अगर एक धर्म के लोग जैसे ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों यानी कुछ नीची जातियों को दबाते हैं धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। दूसरी चीज क्या आ गई इसमें, छुआछूत, यानी बड़ी जातियां यानी हिंदू और नीची जातियों वालों को दबाए तो भारतीय राज्य या उन्हें इस छुआछूत की छूट नहीं देता है। यानी हम ये मानते हैं कि एक ही धर्म के लोग यानी ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों यानी कुछ निचली जातियों को दबाते हैं और धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। और इस छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, इसी प्रकार राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। यानी भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। तीसरी चीज क्या चीज कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या करता है कि धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। मतलब स्कूल और कॉलेज खोलने, मतलब भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को क्या देता है, स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे
मेन कि कोई भी एक धर्म मतलब गैर प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता ही मिलती है। मतलब स्कूल और कॉलेज अगर खोला जाता है किसी धार्मिक समूह द्वारा तो उसके लिए सरकार द्वारा उसे कुछ सहायता भी दी जाती है। जैसे मैंने तीन उदाहरण बताया, पहला तो सरदार जी का कि अहस्तक्षेप की नीति, अपन क्या पढ़ रहे हैं अहस्तक्षेप की नीति, मतलब खास धार्मिक समुदायों को छूट देना। तो पहली चीज मैंने क्या बताया आपको, जैसे सरदार जी का उदाहरण दिया कि सरदार जी पगड़ी पहन, जो सरदार पगड़ी पहनता है तो उसे बाइक पर हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है, उसके लिए राज्य उसे छूट प्रदान करता है। दूसरा, छुआछूत की नीति का विरोध, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों यानी कुछ निचली जातियों को दबाते हैं और धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इसी प्रकार तीसरा कि भारतीय संविधान कुछ धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने की प्राथमिकता देता है, मतलब स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति देता है और इस हेतु उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अब जैसे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन तीन टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने को कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, पहली बात। दूसरा कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊंची जाति वाले हिंदू नीची जाति वाले हिंदुओं को धार्मिक भेदभाव के आधार पर न दबाए तो वो छुआछूत हो गया। इसी प्रकार राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भाई राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट कचहरी मतलब कोर्ट के अंदर या दफ्तरों के अंदर किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो वो ही चीज कि और इसके अतिरिक्त कि भारतीय संविधान कुछ धार्मिक संस्थाओं को स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान करता है और इसके लिए वो सहायता भी प्रदान करता है। तो ये मेन चीज। अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे कि जैसे अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे कि संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। क्या कि छुआछूत को संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उनका फासला सैद्धांतिक है। क्या कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उनका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। छुआछूत के मामलों में कि संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। और इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराता है जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है अथवा नहीं। मतलब भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुसार या यूं मान सकते हैं कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था। कहां पर? फ्रांस में फरवरी 2004 में एक कानून बनाया गया था जिसके अनुसार इस कानून में प्रावधान क्या किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का
यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। क्या कि उदाहरण दे रहे हैं हम कि फ्रांस में फरवरी 2004 में एक कानून पास किया गया था जिसके अनुसार कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुरका, यहूदी टोपी और ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। और फ्रांस में रहने वाले इन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। 1900 ये जो अप्रवासी थे ये कहाँ के थे? जैसे अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को आदि देशों से आए थे और जो फ्रांस के उपनिवेश थे। पहले क्या थे? फ्रांस के उपनिवेश थे। और 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। कब? 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। और तब क्या हुआ था कि उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे और इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं। लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया था। ये हमने जो लेसन पढ़ा आज ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में है। अब धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें शुरुआत में हमने पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्षता की समझ यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है, फिर धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्मनिरपेक्षता की क्यों आवश्यकता पड़ती है और भारतीय संविधान के अनुसार यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में संविधान में स्पष्टतया कहा गया है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, दूसरा कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, या राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये सभी क्या है? हमने धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पढ़े। अब धर्मनिरपेक्षता का ये जो हमारा टॉपिक है ये आज खत्म हो चुका है।